हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनीसा ब्यूटीज़। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा फेस पैक लेके आई हूँ जिसको लगाने से आपका स्किन फेयर, ग्लो एंड हेल्दी हो जाएगा। ये फेस पैक सभी स्किन टाइप वालों के लिए, जिनके स्किन नॉर्मल हो, ड्राई हो तथा सेंसिटिव हो, सभी स्किन वालों को ये सूटेबल है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन। गाइस, सभी फेस पैक के लिए बेसन बहुत ही अच्छा होता है और इसके बिना तो कोई भी फेस पैक बनना मुश्किल ही होता है। अब इस पैक का दूसरा ट्राई इंग्रेडिएंट्स है दही। गाइस, दही में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे स्किन में समय से आने वाली झुर्रियों को रोकती है तथा टैनिंग से दूर रखती है और हमारे स्किन को अंदर से ब्लीच करती है। अब इसमें हम डालेंगे एक पिंच हल्दी। गाइस, हल्दी भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी है, वो हमारे दाग धब्बों को दूर करती है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ लेमन जूस। फ्रेंड्स, लेमन जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है और ये हमारे स्किन को लाइटन करने का काम करता है। अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। गाइस, ये लगभग हमारा फेस पैक बनके तैयार हो गया है। आप चाहे तो इतना पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का मैं विधि बता देती हूँ। गाइस, सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लीजिए और आप अपने चेहरे पर अप्लाई करके 15 से 20 मिनट तक सुखाइए, फिर इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, वरना डिसलाइक। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। आप इसे यूज़ ज़रूर करें तथा आकर कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मैं आज के वीडियो में आपको एक टिप देती हूँ, हेल्दी टिप। गाइस, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। फ्रेंड्स, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को ज़रूर फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फ्रेंड्स, अब इसका लास्ट स्टेप है। अब इसमें हमें ऐड करना है हनी। जी फ्रेंड्स, हनी हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है तो सॉफ्टन और स्किन में कसाव लेकर आता है, जिससे हमारा स्किन जमा दिखता है। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, वरना आप इसे कंटिन्यू करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।